खबर आगरा से। आगरा पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि देश किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान जो कर रहे हैं और जो मुजफ्फरनगर में उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक संदेश दिया है, उसके साथ समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। सरकार को बढ़ती महंगाई पर भी जवाब देना होगा। सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर बहुत लोग चुनाव लड़ने आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा ले। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान पंचायत हुई है, उत्तर प्रदेश की, आपने भी ट्वीट किया, सबने किया है, वरुण गांधी भी समर्थन दे रहे हैं, खुद बीजेपी से क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई देता हूँ किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए और तीनों कानून जिसके लिए किसान इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं वो कानून वापस होने चाहिए। लगातार मुकदमे का ऐलान किया है, किसान महापंचायत, समाजवादी पार्टी किसानों के पक्ष में है और किसानों का संघर्ष और किसानों का साथ समाजवादी पार्टी ने हमेशा दिया है। किसान ही है जो रोटी देता है, किसान ही है जब पैदावार कुछ न कुछ करता है तभी हम कपड़े पहनते हैं। जो किसान हमें रोटी देता हो, पेट भरता हो और कपड़े पहनने को देता हो, उसी का अपमान सरकार कर रही है। सर, लगातार मुकदमों का दौर शुरू हो गया है और शुरुआत से चली रहा है जब से योगी सरकार बनी है, आज राज्यपाल पे भी मुकदमा लिख दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो मुकदमों से नहीं घबराते। सर, ओबीसी भी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। ये उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। योगी जी कहते हैं कि अब विपक्ष डरा हुआ है, तो क्या आप भी डरे हुए हैं? सड़क पे संभल के चलना, कोई ना कोई डराने को मिल जाएगा। 2022 की सपा की क्या तैयारी? 22 में जनता बदलाव चाहती है, जनता परिवर्तन करेगी और परिवर्तन ऐतिहासिक होगा। और केवल जनता ही नहीं, हम जानते हैं हमारे पत्रकार भाई भी परिवर्तन चाहते हैं, हम चाहते हैं पत्रकार भाई भी सहयोग करें। गठबंधन छोटे दलों से होगा, उनके लिए जसवंत नगर सीट छोड़ दी है और उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके साथियों का सम्मान होगा। और बहन जी इस बार साथ नहीं आएंगे? नहीं, पिछला चुनाव हम उनके साथ लड़े थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ।